नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, एनएलपी ट्रेनर, हिप्नोथेरेपिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और एक कोच हूँ। मैं अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ और आज आपको बताने वाला हूँ बच्चों के परवरिश के बारे में, बच्चों के ऊपर जो संस्कार होते हैं उसके बारे में। क्या होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक मतलब गीली मिट्टी का गोला रहता है, उसका भेजा जो है वो पूरा मतलब उसमें कोई मन रहता नहीं है, उसमें कोई माइंड रहता नहीं है, ना उसमें कोई विचार रहते हैं, ना थॉट्स रहते, कुछ नहीं है। 2 साल तक, उम्र के 2 साल तक मतलब, या 1.5 साल तक या 2 साल तक जब तक उसको भाषा आती नहीं है तब तक उसको कोई कंसेप्ट रहता नहीं, कोई विचार रहते नहीं। एक बार भाषा आना चालू हो गया फिर दिमाग मन तैयार होना शुरू हो जाता है। फ्राइड ने तो ऐसा बोला है, सिगमंड फ्राइड जो साइकियाट्री के भीष्म पितामह कहलाए जाते हैं, कि आप जो भी कुछ आज हो आपके जीवन में पहले 5 साल में जो हुआ उसके ऊपर ये निर्भर है। आपका स्वभाव जो है वो पहले 5 साल में क्या घटना हुई वहां से आपका आज का स्वभाव बना हुआ है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसका भेजा जो है वो एक कोरी कैसेट है, उसमें कुछ बजने वाला है नहीं। आप कोरी कैसेट में या सीडी है उसमें, कोरी सीडी है उसमें जो भी फीड करेंगे बाद में वो बजेगा। तो फिर मन बनता कैसा है? मन ये बनता है संस्कार से, मतलब उसकी माँ, उसके पिताजी, घर के बाकी लोग, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, चाचा चाची, मतलब घर में जितने भी लोग हैं वो उनको देख देख के बच्चा बड़ा होता रहता है। और बच्चे जो है ना वो अनुकरण प्रिय रहते हैं, वो बड़ों का देख के वो बच्चा वैसा वैसा करने लगता है। लड़का रहा तो उसके पिताजी जैसा करेगा, लड़की रही तो माँ जैसी बिहेव करेगी। और बच्चे बड़े बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, फिर बाकी बच्चों का कुछ देखते हैं, स्कूल के टीचर का देखते हैं, फिर अभी आजकल सब सोशल मीडिया है, टीवी है, वहाँ से लोगों को बच्चों को इन्फॉर्मेशन आती रहती है और उनका मन तैयार होते जाता है। जैसा मैं हरदम बोलता हूँ कि दुनिया के कोई भी माँ ने कोई टीचर को जन्म नहीं दिया, कोई डॉक्टर को जन्म नहीं दिया, कोई वकील को, कोई इंजीनियर को जन्म नहीं दिया, दुनिया के हर एक माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया है और बाद में फिर वो संस्कार से, एजुकेशन से, शिक्षा देने से फिर वो बड़ा बड़ा होते जाता है और वैसा वो बनते जाता है। तो फिर उसके ऊपर जो संस्कार करना है, उसके उसकी जो परवरिश करना है, वो सब परवरिश बड़ों के हाथ में है, घर के जो भी बड़े व्यक्ति है उनके हाथ में है कि कैसा संस्कार वो करते हैं। क्योंकि बच्चा अनुकरण करता है, यदि उसको कोई शिस्त नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर बच्चा वैसा बड़ा हो जाएगा। एक उद्योगपति था, बहुत बड़ा व्यक्ति, उसके पास में कोई लोग पूछने गए कि आप एकदम गरीब घर के थे, आप इतने बड़े कैसे उद्योगपति बने? तो बोले कि मेरे पिताजी बहुत शराब पीते थे और शराब पीते पीते ही वो मर गए, हम बहुत गरीब घर के थे, मैंने बचपन में ये तय कर लिया कि भाई कुछ भी हो जाए शराब नहीं पीना और बहुत कड़ी मेहनत करना। वो वहाँ से तैयार हो गए, संस्कार वैसे हो गए। दूसरा उसका सग्गा भाई, जुड़वा भाई, वो शराबी था और वो भी मरने के द्वार पे खड़ा था, इतना सीरियस हो गया था। उसको पूछा तो ये क्या करूँ, बचपन से मेरे ऊपर संस्कार ही वैसे हो गए, घर में पिताजी शराब पीते थे, उनके संस्कार मुझे मिले और मैं भी शराबी बन गए। इसका मतलब एक ही घर में रहने के बाद में जुड़वा भाई एक बिल्कुल शराब को हाथ लगाता है, वो शराबी बन जाता है। तो कितने अलग 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 एक ही घर में संस्कार हो सकते हैं बच्चों के ऊपर, ऐसा नहीं कि एक जैसे संस्कार हो जाएंगे। तो संस्कार या परवरिश जो है वो कैसे कैसे करना चाहिए, तो वो मैं आपको बताता हूं। एक तो है कि बच्चों को डिसिप्लिन, अनुशासन लगाना बहुत ही जरूरी है। उसको ना यदि माँ बाप ने बोला कि ना मैं दूंगा नहीं, तो उसको देने का नहीं है। होता क्या है कि बच्चों को हम बोलते कि ना,
मैं दूंगा नहीं, या दूंगी नहीं, माँ बोलती है। फिर वो बच्चा बहुत चिल्लाएंगा, चीखेंगा, हाथ पैर पटकेगा, बहुत मतलब चिल्लाएंगा चीखेंगा, और फिर वो बोलेंगे ठीक है भाई चलो इसको दे दो एक बार। तो उसको ये मालूम हो जाता है बच्चे को कि नहीं, अपने चिल्ला चिखी की तब जो चाहिए वो मिल जाता है। तो एक बार उसको ना बोला तो ना, हाँ बोला तो हाँ। और एक दूसरी बात है, वो है ना उसका फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस जो है वो उससे बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि जब बच्चे ने कुछ डिमांड किया और अपन ने उसको तुरंत वो दे दिया, डिमांड किया कुछ उसने मांग लिया, अपन ने उसको तुरंत दे दिया, फिर डिमांड किया, फिर अपन ने उसको दे दिया, होता क्या है कि उसका धीरज जो है वो बहुत कम हो जाता है। जिसको जैसे उसके दिमाग में आता है कि मुझे ये होना, उसको चीज़ मिल जाती है तो उसको इतनी हैबिट बन जाती है कि कुछ भी चीज़ चाहिए मतलब तुरंत चाहिए। देखो बच्चा बड़ा हो गया तो कैसा नुकसान हो सकता है। तो बच्चों को जब भी कोई वो चीज़ मांगते हैं तो उसको रोकने के लिए बोलना, उसको रोक देना और कुछ समय के बाद में हम देंगे, अभी तुरंत नहीं, ऐसा अनुशासन लगाना उसको बहुत जरूरी है। फिर जो दूसरी बात और एक है वो है कि बच्चों को जवाबदार बनाना। हम क्या करते हैं कि बच्चा कितना भी बड़ा हो गया तो बच्चा बच्चे जैसे उसको संभालते। स्कूल में जाने वाला बच्चा जो रहता है तो सुबह माँ उसके जो पीछा करती है और पीछा कर करके उसको उठाएंगी और पीछे लगेंगी, फिर उसका ब्रश करेंगी, फिर उसको नहलाएंगी, बाथ हो गया, फिर कपड़े पहनो, फिर बैग लो, फिर डब्बा तैयार करो, और वो ऑटो वाला या बस आती है तो कैसा भी करके उसको बस में ऑटो में डाल दो। तो वो रोज माँ को करना पड़ता है और उसके लिए बच्चा कोई जिम्मेदार है नहीं। और उनका मतलब एक कार्यक्रम ही होता है माँ के लिए कि सवेरे एक डेढ़ घंटा दो घंटा इसमें लगे रहना। मैं एकदम बोलता हूँ कि बच्चे को यदि आपने अनुशासन लगाया, डिसिप्लिन सिखाया, जवाबदार उसको बनाया, तो भाई आपको उठने का है, आपको जाने का है, स्कूल आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। स्कूल हो सकता है कि एक दो बार वो नहीं जाएगा, मगर बाद में उसको जब मालूम पड़ेगा कि नहीं नहीं अभी मैं जवाबदार हूँ तो बराबर जाना चालू करेगा। एक मेरे पास में माँ उसके बच्चों को लेके आई थी, बच्चा छठवीं क्लास में पढ़ रहा था, उसका उसकी वही कंप्लेंट कि कम से कम इसको डेढ़ दो घंटे सवेरे लगते तैयार होने को, हमको उसको उठाना और वहाँ से उसको स्कूल में पहुँचाना इसमें बहुत टाइम चले जाता है, फिर आने के बाद में पढ़ाई करो, होमवर्क करो, उसमें टाइम चले जाता है, खाना खाओ तो उसके पीछे लगना पड़ता है, खाना खाओ खाना खाओ, तो कितना पीछे लगना, हम तो पूरे एक बच्चे के पीछे पूरा दिन निकल जाता है। मैंने उसको मजाक में बोला आपको काम क्या दिख रहा हो, काम भी तो नहीं है, फिर आप तो यही करेंगे और क्या करेगी, मतलब अभी कल से बंद कर डालो, सब बंद कर देना। उसको समझाना कि भाई तुम्हारी जवाबदारी तुमने करने का है, खाना तुमने जब मतलब बच्चा जब खाना मांगेगा तो खाना देंगे, आपको जो सपोर्ट चाहिए तो आप देंगे, हम देंगे, खाना खाने का है तो ठीक है तैयार, ब्रेकफास्ट लेके जाने का, डब्बा लेके जाने का है, टिफिन स्कूल में चलो हम तैयार करके देंगे, मगर करना आपको। तो दूसरे दिन ही माँ का फोन आ गया कि आज बच्चा उठाए नहीं क्योंकि हमने उसको उठाया नहीं, बोले ठीक है शांति रखो। दो दिन बाद में भी वही बच्चा उठाए नहीं और गया नहीं स्कूल में, माँ बड़ी परेशान कि अब क्या करना। मैंने बोला रुको शांति रखो, उसके साथ में यही बातचीत करना है, सिर्फ स्कूल जाना क्यों, पढ़ाई करना क्यों, वो आप बातचीत चालू रखो। तीन दिन के बाद में बच्चा खुद ही उठ गया, जब उसको मालूम पड़ा अभी अपना कोई पीछा करने वाला नहीं है, माँ पीछे लगने वाले नहीं है, अभी मेरे को स्कूल में जाना पड़ेगा और क्यों जाना है। तो उसका बच्चा छठवीं क्लास में था तभी उसका एक एम था कि नहीं मेरे को पुलिस ऑफिसर बनने का, फिर ठीक है पुलिस ऑफिसर बनने का तो फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिना पढ़ाई कैसे होगा। तो बच्चों के साथ मैं ऐसी बात करूँ कि आपको बनना क्या है, आगे चल के करना क्या है, गोल्स क्या है, और वो यदि करना है तो उसके साथ में पढ़ाई को जोड़ दो कि पढ़ाई करना जरूरी है, तो आप उसका फ्यूचर क्रिएट कर दे, बच्चे का फ्यूचर से बात कर दे, उसके गोल्स डिसाइड कर दे, गोल्स पक्के कर दे, और फिर उसके लिए पढ़ाई कैसी जरूरत है जरूरी है या स्कूल में कैसा जाना जरूरी है, ये जब उसके साथ में आप लिंक कर देते हो तो फिर उसको पढ़ाई में रुचि आ जाएगी।
मैं जब खुद 7वीं क्लास में था तो तब मेरे दादाजी मेरे से बात करते थे और मुझे बोलते थे, नहीं तू डॉक्टर बन जा, डॉक्टर बन जा, डॉक्टर बनेगा ना तो फिर बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, लोगों की सेवा भी करेगा और मान सम्मान भी मिलेगा, डॉक्टर बन। तो मुझे मालूम नहीं था डॉक्टर कैसे बनना, मगर उन्होंने मेरे दिमाग में वो डॉक्टर बन इतना पक्का बिठा दिया और मुझे इतना इंस्पायर किया, मोटिवेट किया उसके लिए, कि फिर मुझे किसने बोला नहीं कि पढ़ाई कर, किसी ने घर में बोला नहीं पढ़ाई कर, मुझे बोलना पड़ता था पढ़ाई मत कर, बहुत हो गई पढ़ाई। तो आपको यदि इससे छुटकारा पाने का है, बच्चों को अनुशासन लगाने का है, डिसिप्लिन लगाने की है, उसको जवाबदार बनाने का है, बच्चों के साथ में बातचीत करनी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा। और जब जब वो अच्छा काम करते हैं, पढ़ाई करता है, खुद होके खाना खाने को मांगता है, खुद होके नहा लेता है, स्नान कर लेता है, खुद होके कुछ भी करता है, उसको अप्रिशिएट करो, उसको एक्नॉलेज करो, पीठ थपथपाओ, उसको कोई प्रेजेंट दे दो, चॉकलेट दे दो, तो जो भी आपको करना है। सबसे ज़्यादा और सस्ता जो है वो है अप्रिसिएशन, प्रशंसा, तारीफ करना, क्योंकि किसी को भी तारीफ अच्छी लगती है। तो वो यदि आप करते हैं तो बच्चा फिर धीरे 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 उसको उसमें रुचि आते जाएंगी और उसको पीछे लगने का फिर कारण नहीं है कि भाई हमको पीछे लगना पड़ता है, पीछे लगना पड़ता है, तो वो इंडिपेंडेंट बन जाएगा और माँ बाप अलग हो जाएगी उससे, उनको भी शांति, उसको भी शांति, घर में शांति का वातावरण हो जाएगा और बच्चा भी बड़ा बन सकता है, उसको जो चाहिए वो हो सकता है, वो संभव है। क्योंकि जो खुद होकर पढ़ाई करेगा ना वही बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, जो बच्चे के पीछे लग लग के पढ़ाई करके लेना पड़ता है, अच्छे नहीं लाए, अच्छे मार्क्स नहीं लाए। तो हर माँ बाप को मैं बोलूँगा, यदि सचमुच आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहिए, असामान्य बनना चाहिए, तो उसको क्या बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए, वो उसके मन में पक्का बिठाओ, उसके गोल्स पक्के करो, हर बार बात ये करो, बातचीत, क्यों करना है, खाना खाना है तो क्यों खाना खाने का, नहाने का है, स्नान करने का है तो क्यों स्नान करने का, पढ़ाई करने की है तो क्यों पढ़ाई करने की, स्कूल जाना है तो क्यों स्कूल जाने का है? हर बार क्यों क्यों व्हाई। तो ये यदि बच्चों के साथ में बातचीत किया, जैसे टीवी नहीं देखना है तो क्यों नहीं देखने का टीवी, या मोबाइल में नहीं खेलने का तो क्यों नहीं खेलने का, तो ये जब आप करेंगे तो आपको पक्का मालूम हो जाएगा कि भाई मैं बच्चे की परवरिश जो है वो अच्छा कर रहा हूँ, अच्छी कर रही हूँ, और बच्चा सचमुच में एक जवाबदार नागरिक और एक सक्सेसफुल व्यक्ति आगे चल के बन सकता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।